Today I will teach you chapter 8 at school. This is the lesson about Mahatma Gandhi, the father of our nation. As you know, his born was on 2nd October 1869 at Porbandar. And you would have heard or read so many stories or things about their life. आप लोगों ने बहुत सारी बातें या बहुत सारी स्टोरीज उनकी लाइफ के बारे में सुनी होंगी. सो दिस इज अ लेसन अबाउट देयर स्कूल डेज और रिलेटेड टू देयर स्टडी. तो ये लेसन जो है वो उनकी स्कूल डेज के बारे में है. लेट्स रीड. आई मस्ट हैव बीन 7 व्हेन माय फादर लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट टू बिकम अ मेंबर ऑफ राजस्थानी कोर्ट. कहते हैं कि जब मेरे फादर ने पोरबंदर छोड़कर राजकोट राजस्थानी कोर्ट का मेंबर बनने के लिए आया तब मैं 7 ईयर्स का था. हियर आई वाज पुट टू अ प्राइमरी स्कूल. वहाँ मुझे एक प्राइमरी स्कूल में डाल दिया गया. सो जैसा मैं पोरबंदर में था वैसे ही यहाँ था. आई कैन वेल रिकलेक्ट दोज डेज इंक्लूडिंग द नेम्स द अदर पर्टिकुलर टीचर्स हु टॉट मी. मुझे रिकलेक्ट मीन्स रिमेम्बर. मुझे उन दिनों वो दिन अच्छे से याद है जब इंक्लूडिंग इनमें उनकी कुछ पर्टिकुलर टीचर्स के नाम भी शामिल है जिन्होंने मुझे पढ़ाया था. सो एज पोरबंदर सो हियर जैसा देयर इज हार्डली एनीथिंग टू नो अबाउट माय स्टडी. जैसा मैं पोरबंदर में था ऐसे ही यहाँ भी था. मेरी स्टडी में कोई बहुत ज्यादा नोटेबल मीन्स इम्पॉर्टेंट चेंज नहीं आया था. फ्रॉम दिस स्कूल आई वॉज पुट टू अ सबर्बन स्कूल एंड देन हाई स्कूल एंड देयर आई हैव रीच्ड माय 12th ईयर. इस स्कूल से मुझे एक सबर्बन स्कूल में और वहाँ से मुझे हाई स्कूल में डाल दिया गया जहाँ पर मैंने अपना 12th ईयर कंप्लीट किया. मुझे अभी जहाँ तक याद है इतने छोटे से बीच में मैंने कभी झूठ नहीं बोला. आई हैव टू बी वेरी शाय एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी. मैं शाय मींस मैं बहुत ज्यादा बोलने वाला नेचर का नहीं था और अपनी कंपनी मीन्स अपनी क्लासमेट या मेरी जो कंपेनियंस थे उनसे मैं अवॉइड मीन्स बच पाता. माई बुक्स एंड लेसन आर माई सोल कंपेनियन. सोल मीन्स सिंगल. मेरी बुक्स और मेरी लेसन ही मेरी कंपेनियंस थे. मीन्स जैसे क्लास फेलो के साथ लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स बात करते हैं तो गांधी जी के लिए उनके लेसन्स और उनकी बुक्स ही उनके कंपेनियंस थे. जब तक स्कूल की आवाज होती थी तब तक स्कूल में रहता था और जैसे ही स्कूल बंद होता था मैं घर वापस आना जल्दी से घर वापस आना तो मेरी डेली हैबिट थी. आई
literally learned at home because I would not dare to talk to anybody. मैं स्कूल बंद होते ही सीधा घर पर ही आता था क्योंकि मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करता था. I was even afraid lest anyone should poke fun at me. Poke fun means to make fun. Afraid means डरना. मैं डरता था कि कहीं कोई मेरी मजाक ना करे. Two incidents belonging to this period that have been planned to my memory. इस पीरियड की दो इंसिडेंट जिन्होंने जो मेरे मेमोरी में अभी भी हैं वो एट स्कूल टाइम में. एज अ रूल आई हैड दिस टेस्ट टू फॉर माय रीडिंग बुक्स. वियना रीडिंग बुक रीडिंग वियना स्कूल बुक्स. मैं जैसे कि नियम के मुताबिक नियम के अनुसार मुझे स्कूल बुक्स के अलावा और दूसरी बुक्स पढ़ना भी पसंद नहीं था. आई जस्ट लाइक द डेली लेसन्स वुड हैव टू बी डन बिकॉज आई जस्ट लाइक बीइंग टेकन टू टास्क बाय माय टीचर. And I dislike deceive him. मुझे टीवी लेसन होते वो मैं करता था जो मैं पसंद नहीं करता था कि जो टीचर मुझे काम दे रहे हैं मैं उनको पूरा ना करूँ ये मुझे पसंद नहीं था. या उनको deceive means cheat. या अपने टीचर्स को चीट करना या टेकन टू टास्क मींस स्कोल्ड या मुझे डांट खाना टीचर की डांट खाना मुझे पसंद नहीं था. सो द डेली लेसन्स हैड टू बी डन इस विदाउट इवन विदाउट माय माइंड ऑन देम. मेरा दिमाग उसमें नहीं लगता था लेकिन फिर भी मुझे डेली लेसन्स मुझे करने पड़ते थे. Lessons could not be done properly. There was no question, of course, no question of any exam. यहाँ तक कि lessons जो थे वो पूरे properly means अच्छे से नहीं हो सकते थे लेकिन फिर और उसके अलावा जो extra reading होती है उसका कोई सवाल ही नहीं या पर कोई प्रश्न नहीं. But somehow my mama eyes fell on the book purchased by my father. That was Shravanvit Bhakti Natak. लेकिन फिर भी मेरी नज़र जो थी वो उन बुक्स पर रहती थी जो purchased means bought जो मेरे फादर ने मेरे लिए खरीदी थी. That was Shravanvit Bhakti Natak. I read it with intense interest. उनमें से किताब थी श्रवणप्रीत भक्ति नाटक और उस किताब को मैंने इंटेंसली एक्यूट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ा. देयर केम टू अ प्लेस अबाउट केम देयर अबाउट द सेम टाइम ट्रैवलिंग शो कुछ उन दिनों जो था वो लोग जो थे वो ट्रैवलिंग कर करके शो करते थे या ड्रामा शो करने के लिए ट्रैवलिंग करते थे. तो उसी टाइम में ये बुक्स जो थी वो उनको पढ़ने के लिए मिली. द पिक वन ऑफ द पिक्चर देट वॉज ऑफ श्रवण्स कैरिंग हिज पेरेंट्स ऑन अ पिलग्रिमेज. उनमें से एक पिक्चर जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया जिसमें श्रवण अपने ब्लाइंड पेरेंट्स को पिलग्रिमेज मीन्स रिलीजियस जर्नी के लिए लेके जा रहे थे. द बुक एंड द पिक्चर फेल्ट लेफ्ट एन इनडेलिबल इम्प्रेशन ऑन माय माइंड. इनडेलिबल मीन्स अनडेलिबल.
here is an example for you to copy. ये एक आपको copy करने के लिए भी आपके लिए भी एक example है. I said to myself, the agonized lament of the parents over Shravan's death is still fresh in my mind. मैंने अपने आप से कहा, agonized lament means strong expressions of grief and sorrow. ये अपने श्रवण की डेथ के ऊपर जो उनके पेरेंट्स का जो स्ट्रॉन्ग ग्रीफ और सॉरो था, उसने वो जो है मेरी माइंड में अभी भी फ्रेश है, मेरी मेमोरी में अभी भी है. दिस मेल्टिंग ट्यून मूव्ड मी डीपली एंड आई प्लेड इट ऑन अ कंसर्ट दिना. दैट वाज परचेस्ड माय फादर फॉर मी. मेल्टिंग ट्यून मीन्स जिसने इस ट्यून ने उनको जो डीपली मूव किया, हिलाकर रख दिया अंदर तक, उस ट्यून को उन्होंने अपने कंसर्टीना, कंसर्टीना इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच हिज फादर बॉट फॉर हिम, जो उनके फादर ने उनके लिए खरीदा था, उस ट्यून को उन्होंने उस